पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम अलंकार पर बातचीत करते हैं। काव्य के वे तत्व या उपादान जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के रूप में भेद है उनके। और साथ ही साथ हमने प्रमुख अलंकारों के बारे में बातचीत भी की जिसमें मान रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास यमक श्लेष आदि भिन्न भिन्न अलंकारों के बारे में जाना। और अलंकार पढ़ने के माध्यम से हम उस काव्य के सौंदर्य के बारे में भी जानते हैं। व्याख्या में हम जब अलंकारों का उल्लेख करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अलंकारों की क्या विशेषताएं हैं और किस रूप में अलंकारों की पहचान की जा सकती है। काव्य में यमक श्लेष उपमा रूपक यह प्रमुख अलंकार आपके आदिकाल भक्ति काल में है और उन्हीं अलंकारों पर हमने विस्तृत में बातचीत की। आगे के प्रमुख अलंकार आपके इस प्रकार से हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। अलंकार जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य में वृद्धि करता है उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में भी वृद्धि करता है, यानी कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुंदर बनता है। अब हम अगले अलंकार पर बातचीत करेंगे, वह है आपके उदाहरण अलंकार।
शरीर सुंदर है लेकिन मन दुर्भावनाओं से युक्त है। मन कलुषित है, वह वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में शराब भरी हुई है। घड़ा तो सोने का है, सुंदर है, लेकिन अंदर क्या है? शराब भरी हुई है, सुरा भरी हुई है, विष रस जहर भरा हुआ है। कनक भट्ट सोने के घड़े में जैसे जहर भर दिया हो, उसी प्रकार सुंदर शरीर में यदि मन मलिन है, मन दुर्भावनाओं से युक्त है, तो वह वैसा ही है जैसे सोने के घड़े में किसने जहर भर दिया हो। तो यहाँ जैसे के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। अगला उदाहरण है, जगत जनायो जिहि सकल, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नाही। सबसे पहले वाला बहुत सरल है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्व
बात कही जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण लिखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। सुन रखा है ये, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान।
बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण हमने पढ़ा, करत करत अभ्यास के जड़गति होत सुजान। यह सामान्य बात है, लेकिन उसे समझाने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरी बात कही गई है, जो कि प्रसिद्ध है कि रस्सी के आने जाने पर सिर पर निशान पड़ जाता है। रस्सी आवत जात के सिर पर परत में न जाए, रस्सी के आने जाने से चट्टान पर भी निशान पड़ जाता है। रहीमन अश्व नयन नहीं जिद प्रकट करे, यह एक बात कही गई है, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात कही गई है कि जा ही निकालो गेहते कसने भेद कह रही। तो यह दृष्टांत अलंकार है जिसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है और एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। तो बिंब प्रतिबिंब का भाव और एक बात कहकर दूसरी बात उसकी मिलती जुलती कही जाती है, या सामान्य बात कहकर के उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात कही जाती है।
वहां असंगति अलंकार होता है, यानी जहां संगत नहीं बैठ रही है बिना संगत के। तो इसमें साथ रहने वाली वस्तुओं को भी अलग अलग स्थान पर होता दिखाया जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। असंगति अलंकार, असंगत धन संगत यानी बिना संगत से, जहां कोई तालमेल नहीं बैठे, कोई संगति न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार। परिभाषा में लिखी, जहां कारण कार्य स्थान काल आदि की नियम के विरुद्ध स्थिति दिखाई देती है, कि कारण कुछ और है और कार्य कुछ और हो रहा है, वहां भाव उत्पन्न होता है, उनके नेत्र उलझते हैं और कुटुंब के लोग उनके साथ उस संबंध को तोड़ देते हैं और उनके ही प्रेम व्यवहार को देखकर के दुर्जन व्यक्तियों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। हे देव, यह प्रेम का कौन सी नई रीति है, कौन सा नया तरीका है कि नायक और नायिका के मध्य प्रेम का व्यवहार होता है और उनके कुटुंब टूट जाते हैं, उनके रिश्ते टूट जाते हैं।
होठों पर, जो कि संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, नियम विरुद्ध है, और महावत उनके मस्तक पर लगी हुई दिखाई देती है। तो नायक नायिका के प्रेम भाव के बाद की स्थिति को यहाँ चित्रित किया गया है, जिसमें असंगति अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें कार्य और स्थान में परिवर्तन दर्शाया गया है। तो असंगत का अर्थ होता है बिना संगत के।